गाइस आप लोगों को पिल्लू को लेकर, पिल्लू बोलो चाहे बेटू बोल लो, क्योंकि अभी तक उसका तो नाम ही नहीं रखा है। पिल्लू कौन था, कहाँ से आया था, क्या आपका फैमिली डॉग था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर दूंगी। और ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए नहीं, मेरे लिए भी है। कभी फ्यूचर में अगर मेरे को बेटू की बहुत ज्यादा याद आई तो मैं ये वीडियो देख कर अपनी सारी ओल्ड मेमोरीज को गेन कर सकती हूँ। वो इसीलिए क्योंकि मैं अपने बेटू की सारी मेमोरीज और पूरी लाइफ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। और पता है आज के दिन मैंने अपने बेटू की सारी मेमोरीज को टाइप करके रखा है, जिसके आज के दिन मैं कुछ भी नहीं भूल। चलो तो बात है 2022 की, जब हमारी कॉलोनी की एक डेफी एक डॉगी का नाम है जिसने 5 पिल्लों को जन्म दिया। अब उसमें से एक ही बच पाया, बाकी सबकी बॉडी हमारे घर के आगे ही थी। देखो मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर थी। तो यहाँ पर गाड़ी की जगह पट्टियाँ रखी हुई थी, पर हमको उस टाइम पर इतना ज्यादा लगा नहीं, शायद हमको उतना ज्यादा कनेक्शन नहीं हुआ होगा उनसे। तो हमारा पिल्लू था ना, वो अपने भाइयों के साथ ही सोता था। शायद उस टाइम पर बहुत ज्यादा ठंड थी और उन्हें उनसे गर्मी मिलती हो। तो एक दिन मैं, मम्मी और खुशी, हम तीनों टेरिस पर थे और घूम रहे थे, तो एकदम से उस पर नजर गई मम्मी की। और मम्मी ने सडनली बोला कि ऐसे तो ये पिल्ला मर जाएगा, इतनी ठंड थी। और वाकई गाइस उस टाइम पर बहुत ज्यादा ठंड थी, तो मम्मी ने मेरे से और खुशी से बोला कि ये पिल्ले को ऊपर ले आओ छत पर, जिससे उसे थोड़ी सी धूप लग जाए और उसको कुछ खिला भी दें और हमें ऐसा काम मिले और हम ना करें बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हम फटाफट से गए और उस बेटू को लेकर आ गए। और सीरियसली गाइस वो बहुत ज्यादा शिवर भी कर रहा था, फिर हम उसको ऊपर छत पर लाकर थोड़ा सा खिलाया तो वो फिर ठीक हो गया। फिर हमने 4-5 दिनों तक ऐसा ही किया कि सुबह धूप हो जाती तो हम टेरेस पर ले आते, और जैसे नीचे धूप आती हम नीचे छोड़ देते। फिर वो थोड़ा सा सही हो गया, हेल्दी हो गया, मतलब भगवान की कृपा से वो सही हो ही गया। फिर उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी ना, तो हमने उसको नहलाया, और वो आई थिंक वो वीडियो मैंने डाला ही नहीं डाला वो पता नहीं, लेकिन जब वो नहाया ना तो एकदम खुशबू वाला हो गया। फिर क्या था, फिर उसके मजे और हमारे मजे। तो शायद वो भी समझ गया था कि हम उसके गुड विशर्स हैं। और फिर भैया ने उसको जीने चढ़ना सिखाया, तो जब मर्जी होती उसकी वो ऊपर आ जाता था, और उसको जब नीचे उतरना होता था करके हमको बुला लेता था, हम उसको नीचे छोड़ आते थे। फिर जैसे तैसे हमने उसको जीने उतरना भी सिखाया। फिर क्या था, फिर उसकी जब मर्जी होती तब वो नीचे चला जाता था, और जब उसकी मर्जी होती तब ऊपर आ जाता, और जब मेन गेट बंद होता ना तब वो करके बुला लेता था। का मतलब कि दीदी अब आप आ जाओ। फिर जब रात में उसको ठंड लगती थी ना तो वो ऐसे ऐसे करता था, मतलब इसका मतलब ये है कि दीदी अब आप आ जाओ, मुझे ले जाओ। पर उस टाइम पर हम चाकर भी नहीं ला सकते थे, क्योंकि हमारे जो दादाजी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं एनिमल्स को लेकर। तो हमने उसकी पूरी व्यवस्था नीचे ही कर दी, जैसे उसके लिए खाना पीना तो हम रख ही देते थे, लेकिन साथ में बोरी भी बिछा देते जिससे वो सो जाए, लेकिन नहीं, उसे तो ऊपर ही आना है। और रात में हमारा मेन गेट, रात में हमारा क्या, मतलब सभी का ही मेन गेट बंद हो जाता है, तो बस उसने अपने लिए रास्ता भी बना लिया था, जो आपने देखा होगा मेरा घर, मैंने आपको होम टूर भी करवाया है। तो बीच में मेन गेट है और साइड साइड में विंडोज हैं, तो वो विंडोज में से इतना सा तो था, विंडोज में से निकल के आके और जीने के गेट पे से करता, और हम भागे भागे चले जाते थे। और इस चक्कर में हमने मम्मी की बहुत डांट खाई। अच्छा, इस बात से मेरे को एक इंसिडेंट याद आया है कि उस टाइम पर टाइमिंग 2:30-3 बज रहे होंगे, और जीने का गेट खुला ही था तो बेटू ऊपर आ गया था। तो सबसे पहले भैया की नींद खुली, भैया ले गया उसको अंदर और खाना खिलाने लगा। फिर ऐसा होता नहीं है कि एक की नींद खुलती है तो दूसरे की आधी आधी तो टूट ही जाती है। फिर मैं गई, फिर खुशी की नींद खुल गई, और लास्टली मम्मी की। फिर उसके बाद भगवान जानता है और हम जानते फिर उसके बाद मम्मी बोलती है आ गया ना, वो आ गया ना, मैंने कही मम्मी अभी छोड़ कर आने 2 मिनट में। फिर हम गए और मेन गेट खोल के रात में 3 बजे, यार मतलब आप समझ सकते हो बिल्कुल शांति है, और कोई डाकू वगैरह आके हमका ना गला दबा के हमको मार देता तो हमारा क्या होता, ये सब ओवर थिंकिंग है। फिर हमने बेटी को छोड़ा और हम आ गए। अरे हाँ, मैं आपको जगह तो बताना भूल ही गई, रुको 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 अभी बताती हूँ। बहुत शैतान बच्चा था वो। और ये देखो गाइस यहाँ पर कनेस्टर रखा है ना, पहले कुछ नहीं था तो आने लगा था ना, पापा ने कनेस्टर रख दिया था यहाँ पर सो जाता, क्योंकि यहाँ पर वो चढ़ नहीं पाता, यहाँ सो जाता। उसके साथ मेरी बहुत फनी, प्यारी, कुछ भी बोल लो, बहुत सारी मेमोरीज है। और फिर जब वो 2-3 महीने का, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो फिर वो उसी खिड़की में से आने की कोशिश करता था पर वो नहीं आ पाता था। अब उसको कौन समझाए कि अब तू बड़ा हो गया है, और लगा नहीं था कि वो सिर्फ एक स्ट्रिक्ट डॉग है,
वो हमारे दिल के कोने कोने में बस गया था, मेरे नहीं बाकी सारी फैमिली के। और ये कैसे भूल गई मैं उसको, जीना वो हमारे ऊपर चढ़ना तो हमने ही सिखाया है, वो बचपन में चढ़ता था हमारे ऊपर तो बहुत क्यूट और बहुत प्यारा लगता था, और जब बड़ा हुआ ना तब सिर्फ हम पे ही नहीं बाकी सारे जनों पर चढ़ता था। उसकी एक आदत मस्त थी, वो जमीन पे कभी नहीं बैठता था, हम उसकी तरफ आसन कर देते या फिर बैठ का कुछ भी कर देते वो समझ जाता कि बस हमें को यहीं बैठना है। एक बार तो मम्मी के बगल में बैठ गया, तो मम्मी उससे बचपन में डरती थी तो मम्मी ऐसे कर रही ऐसे हट 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 अरे यार वो पता है मम्मी नीचे आसन पर बैठ के पूजा कर रही थी वो दादी जाके बैठ गया। मतलब उन पलों को आज याद करके बड़ी हंसी आती है। और उसका नाम पता नहीं क्या क्या रखा है, खुशी पिल्लू बुलाती है, मैं बिट्टू बुलाती हूँ, और मम्मी पापा ना जाने क्या क्या बुलाते हैं उसको। उसका तो हर दिन नाम चेंज होता था, लेकिन आज तक डिसाइड नहीं हो पाया कि उसका रियल नेम था तो था क्या। और आप लोगों को तो याद ही होगा कि 10 किलोमीटर वो वाली वीडियो तो मैंने अपलोड की है यार, पूरे रास्ते हमने उसको नहीं उसने हमें दौड़ाया है। मतलब 10 किलोमीटर का रास्ता उसके साथ पता नहीं चला कि कब कट गया। और चिंता हर से तो मेरे को एक ही बात याद आती है, बेटू का लड्डू, कि जब भी चिंतारण से लड्डू आता था ना वो सिर्फ बेटू के नाम ही रहता था, वो खाने आता था वो ठीक है, लेकिन हम भी उसको देते थे, ये अजीब है। हमारे सब्सक्राइबर ने उसको मीठा देने से मना किया तो हमने उसको कम कर दिया, और कभी कभी तो हम उसको देते ही नहीं थे। फिर हम अपने काम में बहुत ज़्यादा ही बिजी हो गए थे, हफ्ते भर तक उससे मिल नहीं पाए थे। फिर हमको एक दिन सडनली पता चला कि उसके पैर में पता नहीं किस चीज़ से लग गई है, तो एक बहुत अच्छे अंकल थे उन्होंने उनका ट्रीटमेंट करवाया, उसको इंजेक्शन वगैरह दिलवाए तो वो ठीक हो गया था। लेकिन उसके 2-3 दिन बाद उसको फिर बुखार, उसकी तबीयत खराब ही होती चली गई थी उस टाइम से। उस दिनों तक तो उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। फिर मैं ना खुशी ने, मैं आपको सीरियसली बताऊं, गूगल पर इतने सारे नंबर सर्च किए, एक नंबर पर भी कॉल लग रहा था तो वो बोल रहे थे कि डॉग को यहाँ पर ले आओ, और कुछ तो कॉल ही नहीं उठा रहे थे। पर उस टाइम पर सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा हम लोगों को, और क्योंकि कुछ नहीं कर पा रहे थे हम उसके लिए, पर हम लोग ही नहीं बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे थे कि वो सही हो जाए, क्योंकि वो सभी का लाडला बन गया था, इतना मतलब सबको ही इतना लगाव हो गया था उससे बहुत ज़्यादा ही। एक टाइम पर तो हमको ये लगा कि हम उसको स्कूटी पर ही ले जाते हैं, पर एक डॉग ने उसको यहाँ नेक पे खा लिया था, तो हम उसको ऐसे उठाते ना तो वो बहुत चिल्ला रहा था। मेरे तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब, क्योंकि आप सबको ही पता है कि मैं एनिमल्स बहुत ज़्यादा ही लवर हूँ। वही प्रॉब्लम स्कूटी की, एक तो उसके पहले से ही हालत ज़्यादा ही ख़राब थी, फिर उसके बाद हम उसको उठा के स्कूटी पर रखते और उसके कहीं लग जाती या फिर गिरने का भी डर था, तो हम उस वजह से उसको नहीं ले जा पाए। इसीलिए मैं बोलती हूँ यार कार तो एक होनी ही चाहिए, आज एक होती तो हम उसको ले जाते हैं। हम लोग अकेले ही नहीं जो कि ट्राई कर रहे थे, बाकी सब लोग भी बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, और हमारे जो पड़ोसी हैं वो तो उनको उसको कार में भी लेकर गए थे, और फिर वो डॉक्टर के पास उसको ड्रिप लगी, और फिर डॉक्टर ने बोला कि वो एक मतलब कल दोपहर तक उसको होश आ जाएगा, पर उसको बहुत ज़्यादा ट्राई किया पर उसको होश नहीं आया। और हमें तो ये सब पता भी नहीं था, वो उनके पास था जो उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे, और उस टाइम पर वो सब पूरा रिकॉर्ड हुआ था क्योंकि उस टाइम पर ब्लॉगिंग चल रही थी और हम मार्केट से लौट कर आ रहे थे, तभी तो आप लोगों के कमेंट आया। अब फिर वही कि मम्मी बोल रही थी 11 के दिन गया है कितनी अच्छी बात है, पापा कुछ और बोल रहे थे, खुशी कुछ और बोल रही थी, हमने अपनी रातों की नींद भी खराब करी थी उसके लिए। मम्मी से पूछता, मम्मी को आज तक बेटू के साथ सबसे अच्छा कौन सा पार्ट लगा है, मम्मी जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है बेटू के साथ कौन सी मेमोरी सबसे अच्छी लगती है? अभी पता ना 11 बजे रो रो खिड़की में ऊपर आए हुए को चिल्ला रहा हूँ, कैसे चिल्ला रहा हूँ तुमने आदत पाड़ दी है भैया, हो तुम आया तो माँ में वो धरी हो चप्पल वाली अलमारी में सुहा देते पता ही नहीं चल, तो सुहा सुहा तुमने ऐसी आदत डाल दी, अभी उतना मैंने देख लो वो आई गुस्सा, मैंने तुम तीनों फटका रही, तीनों पर डांट लगाई, और कह रहे नहीं लाए तुम नहीं लाए, तो 11 बजे रात को वह खिड़की में मोह निकाल निकाल के जो लग रही भाई कि निकल जाऊँ मैं, गेट लग गए खिड़की लग गई, रात को 11 बजे जाए कर तुम लोगों ने चोरी थे मैं बैठा था, मुझे कहा कही देखो मम्मी अपने आप निकल के आ गया, देखो मम्मी अपने आप आ गया। अरे हाँ यार वाली भी तो है सही है, वहाँ पे आया करो स्वाद हो
मैंने आराम से देखी कैसे सुरोज में सोता मम्मी जी अपने आप आए क्यों सो उस वक्त सच में वो अपने आप ही निकल के आया मम्मी हाँ भगवान कसम हम लोग नहीं लाए थे उसको और वो सच में वो जूते वाली अलमारी में तो वो घुसी गया था हमको तभी पता चला था आज भी विश्वास नहीं कर रही यार सवेरे ही उठ गए मैं देखो गेट के बाद कमरा में आगे के होल के गेट में आया दरवाजे के आगे बैठ गो बताओ पर बेडरूम के सवेरा उठी तो मैंने जिका भैया जो मेहमान तो मैंने जो बैठो तेरी अच्छा मेरा वो रात में 11:30 बजे तू भगी थी क्या कहते हैं वो ये जो बगल वाले भैया आएंगे उनके है ना वो गेट पे गेट के उस समय पैर फंसा लिया था अच्छा वो पैर फंसा लिया तो रात में गेट वेट सब लोग तू ताला वाला खोल के बाहर गई अपने निकाल के लाई ऐसी डेढ़ बजे हाँ सही बात है डेढ़ बजे भग लगी रात में भैया और ये दोनों के दोनों भग लगी मैंने कहा उसको क्या बोलते उसको जीने की वजह वो बन गया था हमारा बेटू हाँ जीने और जीने की दोनों पाए थे ठाड़ हो जाते मुंह पे रोके डटे नहीं पार भाई वही तो क्योंकि उसका लड्डू उसके पास आ रहा था इसीलिए लड्डू क्योंकि फर्श में था लड्डू और लड्डू उसके पास आ रहा था